तो कल बात की थी हम लोगों ने वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट से पहले हम हाइगेंस प्रिंसिपल को पढ़ रहे थे। हाइगेंस प्रिंसिपल मैंने बताया था कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को 1675 में जब उन्होंने बताया था, तो सन 1678 में ही हाइगेंस आए थे और उन्होंने ये बताया था कि जो वेव हैं वो कर्पस्कल्स, मतलब लाइट है वो कर्पस्कल्स नहीं बल्कि क्या है, वेव है। ठीक है, उस समय इनकी थ्योरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट उसके बाद फोकॉल्ट आए थे, फोकॉल्ट ने बताया था, मैंने कल इसका वो भी बताया था, सन फोकॉल्ट किस सन में आए थे ये इसमें मैंने कल आपको बताया था कि फोकॉल्ट लगभग आए थे आपके, एक सेकेंड, इसमें दिया हुआ था कल मैं बता रहा था ना, फोकॉल्ट यहीं पर होंगे, हाँ 1850 में। ठीक है, 1850 में फोकॉल्ट आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फोकॉल्ट है कि नहीं भाई, जो थ्योरी है वो इनकी गलत है, न्यूटन की थ्योरी गलत है। न्यूटन कहते थे कि वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है लेकिन कम थी। ठीक, तो फोकॉल्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो उसके बाद हाइगेंस को लोगों ने फिर देखा कि हाइगेंस की थ्योरी उस समय भी क्या थी, तो उसके बाद हाइगेंस की थ्योरी थोड़ी सी लाइमलाइट में आई। तो हाइगेंस की थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट कौन से दिए थे उन्होंने। कल बात चल रही थी वेवफ्रंट की। वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट मैं आपको बता दूं, अगर किसी प्लेन में पार्टिकल हैं बहुत सारे और वो सारे पार्टिकल सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम उस प्लेन को क्या कहते हैं, या लोकस को क्या कहते हैं, सारे पॉइंट की पार्टिकल्स की लोकस को या उस प्लेन को हम कहते हैं वेवफ्रंट। ठीक है, अब वेवफ्रंट कई टाइप के होते हैं, तो इस हाइगेंस प्रिंसिपल से हमें रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्रैक्शन निकालना है, इन सबको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा पहले वेवफ्रंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज इसलिए बनाया है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्लास लेने के लिए प्रेजेंट नहीं था, दो स्टूडेंट तो प्रेजेंट थे ही नहीं। ठीक है, तो बाकी उन दो के लिए ये है। ठीक है, तो अब आप सभी लोग जितने भी हो इसे लेक्चर को देख लेना और समझ जाना। स्टार्ट करते हैं वेवफ्रंट को। वेवफ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, मतलब वेवफ्रंट होती क्या है और कितने तरीके की वेवफ्रंट होती है। ठीक है, वेवफ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट ए गिवन इंस्टेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी पार्टिकल हैं जो कि सेम फेस से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका लोकस जो होता है, लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। ठीक है, उनके लोकस को या उस प्लेन को हम कहते हैं वेवफ्रंट। ठीक, द शेप ऑफ वेवफ्रंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, जिस तरीके के लाइट सोर्स से लाइट आ रही है उस पर डिपेंड करता है वेवफ्रंट, यानी जैसा शेप, मान लो बल्ब से आ रही है लाइट, या ट्यूबलाइट से आ रही है, या सन से आ रही है। ठीक है, तो इनका वेवफ्रंट अलग अलग होगा क्योंकि उनका सबका शेप क्या है, अलग अलग है। तो हम सबसे पहले देखते हैं शेप या टाइप ऑफ वेवफ्रंट्स। ठीक है, पहला है स्पेरिकल वेवफ्रंट, SWF के नाम से इसे हम जानते हैं। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का मतलब आप कभी ट्रेन में जा रहे हो तो आपने देखा होगा बहुत दूर से एक बल्ब जल रहा हो तो आपको दिखाई देता है कि एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट से दिखाई देता है, और उसके आसपास ना इस तरीके से कुछ कुछ उसके आसपास घेरा दिखाई देता होगा लाइट का आपको, तो वो क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज ए पॉइंट सोर्स देन द वेव फ्रंट इज स्पेरिकल। हमेशा बल्ब के आसपास एक लाइट का घेरा सा दिखाई देता है पूरा, और वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। तो भाई पॉइंट सोर्स आपका, अगर इफ़ द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज ए पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स वेव्स विच स्प्रेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, कभी भी आप फिगर भी बनाते होगे बल्ब का, तो कैसे बनाते हो, जो उसकी जो लाइट है ना इस तरीके से दिखाते हो चारों डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। ये सन भी एक पॉइंट सोर्स है, उसकी भी आप जब बनाते हो कभी फिगर वगैरह में बनाया हो आपने, प्राकृतिक दृश्य उसमें बनाते थे ना सन को, किस तरीके से बनाते थे, देखो ऐसे बनाते थे, ये सन बना दिया और ये इस तरीके से ऐसे 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 सब तरफ दिखाते थे, तो वो इसीलिए दिखाते थे ये शो करने के लिए कि सन की जो लाइट है वो सारी डायरेक्शन में जा रही है। तो सन क्या हुआ, पॉइंट सोर्स हुआ, इसी तरीके से बल्ब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज ए पॉइंट सोर्स देन द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल. ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स वेव्स विच स्प्रेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, बाहर की तरफ निकलती है सारी डायरेक्शन में. इफ द मीडियम इज होमोजीनियस देन आफ्टर टी सेकेंड्स द वेव और डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल इट डिस्टेंस इक्वल टू बी टी. बी टी, अब ये क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, ये सबको पता है. चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब वेलो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड यानी बी मान लो, चलो डी अपॉन टी, तो डी बराबर क्या हो गया, बी टी हो गया यहाँ से. ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर, आफ्टर टी सेकेंड द वेव और डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो डिस्टर्बेंस होगा, बी टी. तो यहाँ से निकल के आ गया, अभी पता है आपको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम. कहने का क्या मतलब है, अगर मीडियम होमोजीनियस है तो टी सेकेंड के बाद जो वेव है या जो डिस्टर्बेंस है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कितना होगा, बी टी. यहाँ बी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और टी क्या है, टाइम. जैसे हम देखते हैं ना, अगर किसी तालाब में पत्थर डाले हैं तो ये उस टाइम बाद ये डिस्टेंस निश्चित होती है, ये नहीं कोई भी डिस्टेंस तय कर जाएगी. ये जो डिस्टेंस हो रही है ना, ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होती है, चारों तरफ सेम होगी, किसके बराबर होगी, बी टी के बराबर. ठीक है, बी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, और टी क्या है, टाइम. ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस बी टी विल गेट डिस्टर्ब एट द सेम मोमेंट. ऑल दीज पार्टिकल्स विल वाइब्रेट इन द सेम फेज. इन दिस केस द स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू दीज पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, इसका क्या मतलब है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस बी टी. अगर कोई हम स्फीयर बनाए जिसकी रेडियस कितनी हो, बी टी हो, ठीक है, बी टी हो, तो उस पर प्रेजेंट सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेम मूमेंट पर डिस्टर्ब होंगे. ठीक है, ये सेम फेज में क्या होंगे, वाइब्रेट भी होंगे. ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू दीज पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो इस सरफेस से, मतलब ये सरफेस जिन पार्टिकल से निकलेगा उन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, ये द स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू दीज पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. अभी फिगर बना के दिखाएंगे हम. ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट समझ में आया. इसी तरीके से ये देखो, ये फिगर भी देख लेना, यहाँ पर अब है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट की आई थिंक मैंने कल बता दी थी फिगर. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखो, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज ए स्लिट. ठीक, ये आपकी स्लिट है. हाँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट देख लो, इधर ये है आपका पॉइंट सोर्स ए है, और इससे दिख निकलने वाला ये पूरा एक चक्कर, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, ये तो भाई सीधा सीधा 2D है, 2D में नहीं समझा सकता, पूरा एक स्फीयर जा रहा होगा. ठीक है, 3D में अगर हम देखेंगे तो. अब दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज ए स्लिट, ए बी एक स्लिट है, देन द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल बिकॉज ऑल द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन सोर्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो अगर देखो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, कोई रॉड होती है तो हम इसे सिलेंड्रिकल मानते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम अगर कोई ऐसा सरफेस लें तो वो क्या होगा, वो होता है सिलेंडर, ये उसके चारों ओर इक्विडिस्टेंस पर. ठीक है, तो उससे भाई कैसे कैसे निकल रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे इस तरीके से, ये निकल रहे हैं ये पूरा ये. ठीक है, अच्छा एक बार फिर से देख लो, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज स्लिट देन द वेव फ्रंट आर देन द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल बिकॉज ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन सोर्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ ए सिलेंडर. यानी ये जो
जितने भी पॉइंट हैं लाइन सोर्स से, ठीक है, जितने भी पॉइंट है लाइन सोर्स से, वो एक सिलेंडर में क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। ये देखो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। यहाँ आपकी रेडियस हो गई थी, ठीक है, स्पेरिकल में। इसमें भी क्या हो गया, देखो ये जितनी डिस्टेंस, ये यहाँ से इस पॉइंट की, यहाँ से इस पॉइंट की, यहाँ से ऐसी, इससे देखो, इससे यहाँ की, यहाँ यहाँ ये रेडियस है, बराबर ही होती है रेडियस। तो ऐसे यहाँ पे ये भी बराबर होगी, सब इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक। अच्छा, अब अगला है आपका प्लेन वेव फ्रंट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेरिकल वेव फ्रंट अपीयर्स प्लेन एंड दिस पार्ट ऑफ द स्पेरिकल वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसमें सी फिगर देखो, दस ए स्पेरिकल वेव फ्रंट अपीयर्स एज प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर ट्रेवलिंग ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। मतलब पॉइंट सोर्स से चलने के बाद एक स्पेरिकल वेव जो है वो क्या लगती है, स्पेरिकल वेव भी कैसे मालूम पड़ती है, ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह। यहाँ देखो, ये एक प्लेन है और ऐसे ये ऐसे निकल रहा है इक्वी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट समझ में आ गया, ये है आपका स्पेरिकल, सिलैंडरिकल और ये है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। अब आते हैं आगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट को PWF और स्पेरिकल वेव फ्रंट को SWF कहेंगे और सिलेंडिकल को CWF, ठीक है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट, ये देखिए जरा। इन ए होमोजीनियस मीडियम ए वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब होमोजीनियस मीडियम है तो जो वेव फ्रंट होगा वो नॉर्मल होगा किसके, प्रोपेगेशन जो वेव की होगी उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। जैसे मान लो वेव इधर जा रही है तो ये इधर है परपेंडिकुलर, ठीक है। कंसिडर ए सेट ऑफ प्लेन वेव फ्रंट PWF1, PWF2 एंड PWF3, देन लाइन्स ड्रॉन नॉर्मल टू देम दैट इज ABCDEF हेल्प इन गिविंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये जो है ये और ये क्या है, ABCD और ये EF, ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव की। इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, ठीक है। तीनों लाइन क्या है, रेज है। इन अदर वर्ड्स एन इमेजनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। मतलब अगर इन प्लेन वेव फ्रंट के बीच में से ये लाइन ड्रॉ की जाए इमेजनरी, इन लाइनों को ही हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। इट इज़ कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी ऑफ लाइट फ्लोज अलॉन्ग रेज दैट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब एनर्जी ऑफ लाइट है वो क्या होती है, रे के अलॉन्ग फ्लो होती है, ठीक है। यानी ये जो प्लेन वेव फ्रंट होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। द वेव फ्रंट एंड रेज करस्पॉन्डिंग टू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट आर शोन इन फिगर 4A। अब ये क्या है, ये देखो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, ये देखो जी, ये एक तरीके से ये है, ये ऐसे ये वाले, ये क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं इस पॉइंट पर। ये क्या है, डाइवर्ज है, बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो इस तरीके से, ये और बड़ा हुआ, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, ये आपका डाइवर्जिंग, ठीक। अब है आपके यहाँ हाइगेंस प्रिंसिपल, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइगेंस प्रिंसिपल गिव्स लिमिटेशंस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल गिव्स ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए वेव। हाइगेंस प्रिंसिपल ज्योमेट्रिकल डिटेल देता है किसकी, ट्रेवलिंग ऑफ अ वेव की। दिस प्रिंसिपल इज यूज टू फाइंड द न्यू पोजिशन ऑफ द गिवन वेव फ्रंट एट एनी स्टैंड इफ इट्स प्रेजेंट पोजिशन इज नोन। अगर हमें किसी वेव फ्रंट की प्रेजेंट पोजिशन पता है तो हाइगेंस प्रिंसिपल ये बताता है कि इसकी अगली पोजिशन कहाँ होगी। ये देखो, ये इसमें यही तो था, पहली पोजिशन पता थी, अगली पोजिशन यहाँ पे, अगली पोजिशन यहाँ पे, इसी के हिसाब से हम रेड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक
ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस नोन एज वेवफ्रंट। कहने का मतलब है कि जितने भी सोर्स हैं लाइट के, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब लाइट के जो सोर्स होते हैं वो सेंटर हैं, यहीं से लाइट जनरेट होगी, ये क्या हो गए सेंटर हो गए, और यहाँ से मान लो ये वेव निकल रही है, मतलब ये लाइट सोर्स जो है ये सेंटर है जहाँ से वेव स्प्रेड हो रही है हर डायरेक्शन में, ठीक है, जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हैं या जितने भी डिस्टरबेंस के सेंटर हैं, भाई यहीं से ही तो डिस्टरबेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इन सेंटर को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, यही क्या है डिस्टरबेंस के सेंटर हैं जिनसे वेव स्प्रेड होती है सभी डायरेक्शन में। ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस नॉन एज वेवफ्रंट, मतलब क्या है ये वेवफ्रंट भी बता देता हूँ मैं, मान लो ये आपका ये पॉइंट था, यहाँ से एक लाइट निकली यहाँ पे, ये पार्टिकल एक ये था, ये था, ठीक है, अब कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल लग जाए पहुँच गया कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब इन्हें मिलाने वाला जो सर्किल बनेगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, ये मान लो एक सर्किल ये बन गया, ये क्या हो गया ये जो बना दूसरा, इन्हें मिला दिया हमने, इन्हीं को हम बोलते हैं वेवफ्रंट, ये दूसरा जो बना है नया, क्योंकि ये देखो ये वाला, ये दूसरा, ये जो ये रास्ता जो बन गया ना, ये पूरा इसे बोलेंगे वेवफ्रंट। ऐसे ही जब थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर एक और बन जाएगा स्पेयर, ये स्पेयर या सर्किल, भाई 3D होगा तो स्पेयर बनेगा, तो उसे वेवफ्रंट बोलेंगे। इस तरीके से एक वेवफ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस, अगर सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स तो एक सरफेस पर लाई करेंगे वो, और उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम वेवफ्रंट, ये एक वेवफ्रंट है, ये दूसरा वेवफ्रंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके। एवरी पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेंथ्स, दीज वेवलेट्स आर स्पेरिकल एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन दैट मीडियम, मतलब इस वाले सोर्स ने ये जनरेट किया, अब ये वाले ने ये यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर इस वाले ने अगला बढ़ाया, ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे वेवलेट और बना, बड़े बड़े वेवलेट और बनाते जा रहे हैं। ओनली फॉरवर्ड एनवेलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट्स एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी स्टैंड गिव द न्यू पोजिशन ऑफ वेवफ्रंट, मतलब हर अगला वाला एनवेलप क्या होगा, यही नेक्स्ट वेवफ्रंट बनाएगा। अब भाई एक बताओ, इसने बना दिया वेवफ्रंट, इस वाले ने ये बनाया, ठीक है, तो अगला वेवफ्रंट जो होगा वो ये बनाएगा, ना कि ये, ठीक है ना, ये बनाएगा ये। अब अगला वेवफ्रंट बनाना है तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ भी बनना है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आप खुद पढ़ना, ये कोई सोर्स है, इसके बाद ये वैसे यहीं से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम कल करेंगे, ठीक, पहले आप इतना समझ जाओ वेवफ्रंट के बारे में, ठीक है, सेंड कर रहा हूँ मैं आपको।